TV shows, blockbuster movies and originals. Download the app now. I hate you, Vedika! I hate you! Why did you do this to me? शायद तुम्हें अपने पापा को जानने का कभी मौका ही ना मिले। मम्मा दोनों बनी आई। अरे सालिका कहाँ लेके जा रही हो? Sit down, surprise. Happy birthday, मम्मा. Happy birthday, पापा. तू नज़म नज़म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख़ाब ख़ाब सा तेरी। Happy birthday, साहिल. काश ये तारीख मैं अपनी ज़िंदगी से हटा सकता। आपके आ जाने से की अगली कड़ी में देखिए, इतनी रात को किसका फोन आ सकता है? आर्या, हेलो आर्या, 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 तुम्हारे फ्लाइट 10 बजे का है। हेलो, मैं आर्या आ रही है ना 5 साल के बाद अमेरिका से। अरे वेदिका फोन बंद कर, साहिल को भनक भी पड़ गई ना तो बवाल हो जाएगी। किस्मत को नामंजूर था जो फैसला, क्या होने लगी है उस इश्क की दास्तां पूरी? जो वेद है वेदिका और साहिल के प्यार की निशानी, क्या अब वही करेगा पूरी इन दोनों की अधूरी प्रेम कहानी? आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। पापा नाम क्या है आपका पापा का? साहिल अग्रवाल। मेरू बेटा किससे बात कर रहे हो आप? अगर वेदिका वापस आती है तो उसे कोई ये बात नहीं बताएगा कि ये बच्चा उसका है, पर ये राज सिर्फ हम तीनों के बीच रहेगा। हम तुझको चेतावनी देने आए हैं। 5 साल हम चुप रहे लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। तेरी बेटी का वो हश्र करेंगे जिसके लिए तू खुद जिम्मेदार होगी। वेद, वेद कहाँ हो तुम? किसी ने वेद को देखा क्या? साहिल, क्या हो? तुमने वेद को कहीं देखा क्या? हेलो, अगर बड़ी अम्मा का शक सही हुआ तो वेदिका दी को पता चल गया कि वेद उनका और वो वेद को ले गई हो, और वेद कभी वापस नहीं आएगा। सही कुछ करो प्लीज, ढूंढो मेरे बच्चे को। हेलो, आपके आ जाने से की अगली कड़ी में साहिल और वेदिका होंगे फिर एक बार आमने सामने। लेकिन 5 सालों की कड़वाहट को भुलाकर क्या साहिल अपना लेगा वेदिका को, या बड़ी अम्मा के जाल में फंसकर मान लेगा वेदिका को गुनहगार अपने ही बेटे के अपहरण का? 2 ही मिनट बात करनी है हमें उसे बस ये फोटो दिखानी है। अरे मेरा बेटा ये फोटो नहीं देखेगा, मेरे बेटे को परेशान मत कीजिए। वो वेद को मुझसे छीन तो नहीं लेगी, वादा करो उसे। तुम मुझे वेद से कभी अलग नहीं करोगे। क्या भूमि की बात का मान रखने की खातिर छुपा लेगा साहिल वेद की सच्चाई वेदिका से? जानने के लिए देखते रहिए आपके आ जाने से। पता है पापा, गुंडों ने ना हम दोनों को पकड़ लिया था, फिर आंटी ने कहा डोंट वरी मैं तुम्हें बचाऊंगी। आंटी ने सुपरमैन जैसे मुझे कुछ नहीं होने दिया। आंटी बहुत अच्छी है, इतनी चोट आई थी उनको, पता है आपको? मुझे सुपरमैन की तरह बचाया। आंटी मेरी सुपरमैन है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने अंजना जी के साथ भी कुछ नहीं किया था और मैंने वेद के साथ भी कुछ नहीं किया है।
बढ़िया माँ, हमारा यकीन मानिए, माई ना करिए किसी ने सर पे हमारे ऐसे वार किया कि हम माई लुटक गए, और जब हम होश में आए तो पैसों का बैग गायब था। शुक्र मनाइए बढ़िया माँ कि हम जिंदा है, वरना आज आपकी बेटी विधवा हो जाती। चुप! शुक्र मनाए या तुम पे शक करे? अरे हमको तो पूरा विश्वास है कि तुम हमारे पैसे दबा के बैठ गए हो। माई ना करेगा, इतने सालों की नमक हलाली का ये सिला मिलेगा मुझे। मान लीजिए कि अगर ये मेरी हरकत होती तो क्या हम आपके सामने इस वक्त खड़े होते? 10 करोड़ दबा के कहीं शहर के बाहर भाग नहीं जाते? पैसे तो वो अपहरण करता लेकर गया, वो वापस नहीं मिलने वाले। कौन हो सकता है जिसने हमारा पैतरा हम पे ही उलट दिया? इसकी तो किसी को कानो कान खबर नहीं थी, फिर कौन है ये पता लगाना बहुत जरूरी है। मगर उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि वो अधेड़ उम्र की औरत जेल की सलाखों के पीछे ही रहे, वरना हमारे लिए खतरा पैदा हो सकता है। मैं पुलिस को बताने जा रहा हूँ कि वेद ने मुझसे क्या कहा, ताकि वो ये केस बंद कर दे और वेदिका अग्रवाल को जाने दे। हाँ, मैं उनसे नफरत करता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि जिस इंसान ने जुर्म नहीं किया हो उसे सजा मिले। जो सोच रहा है बिल्कुल सही सोच रहा है साहिल। नहीं साहिल, तुम एकदम गलत कर रहे हो। अरे तुमने अपनी आंखों से देखा है ना कि वहाँ वेदिका माथुर के अलावा था कौन जिसने हमारे बेटे को अगवा किया? और फिर हमारा वेदू कितना मासूम है, उसे जो पट्टी पढ़ाई गई होगी वही उसने बोल दिया। तो पहले भी हमारे परिवार पे कितना नुकसान किया है उसने, हमारी प्यारी देवरानी और तुम्हारी माँ को मार डाला उसने। अरे आप तो वही हो ना जो उस दिन मुझे दरगाह पे मिले थे। आप यहाँ पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो? मेरी मम्मा अंदर है। आपको मम्मा से मिलना है, मैं मिलवाऊं मम्मा से? साधिका वेदिका की ही बेटी है जानकर क्या प्रतिक्रिया होगी साहिल की? अब मम्मा, क्या वेद और साधिका के असली माँ बाप के राज से उठ जाएगा पर्दा? जानने के लिए देखते रहिए आपके आ जाने से। अब मैं नाराज हो गई हूँ, अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अब आप कितना भी बोलो ना, आई लव यू जान, यू माई क्यूटी, यू माई स्वीट हार्ट, मैं नहीं मानने वाली। मैं आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली। तुम्हें फोन करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, और तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। मनु सत्तम हो, गेट आउट, लीव माय हाउस राइट नाउ। तनु, कल देखिए कली रे के रुकावटलेस एंटरटेनमेंट एपिसोड में। अगली बार ऐसी कोई हरकत की ना तो सीधा गला काटूंगा तेरे बेटे का। मेरे बेटे को इसके बारे में बात करें, सब ठीक है ना? वो एक्चुअली मेरा एक छोटा भाई था जिसे हमने कुछ सालों पहले खो दिया। ये लो, ये तो सनी के भाई का है, तोड़ फोड़ के यहाँ पे क्यों फेंका? कुछ है जो मुझे लगता है तुम्हें पता होना चाहिए। इंस्पेक्टर पांडे का कहना है कि वो वार्ड बॉय ने जारा को अस्पताल में आते हुए देखा, मगर जारा वहाँ गई नहीं थी, तो उसने किसको देखा? लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो वार्ड बॉय कौन सा था जिसने आपके खिलाफ गवाही दी? देखो, उसने पैसों के लिए गवाही दी, तो अब वो पैसों की वजह से सामने भी आएगा। रीवा,